कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो उम्र और हालात मायने नहीं रखती। कुछ ऐसी ही कहानी है चूरू कोतवाली थाने में तैनात कांस्टेबल सचिन मीणा की, जिन्होंने ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई कर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पास किया है और सचिन के कंधों पर अब जल्द ही दो सितारे लगेंगे। सचिन की यह कहानी आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे नौजवानों के लिए काफी प्रेरणादायी है, जो महज 19 साल की उम्र में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के रूप में चयनित हो गई और 10 साल की अपनी कांस्टेबल की नौकरी करने के बाद सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन करेंगे। सचिन बताते हैं कि पुलिस की नौकरी काफी चुनौतियों से भरी है, जहां 24 घंटे ड्यूटी के साथ उन्होंने पढ़ाई की और राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सचिन ने कहा, आज के युवा सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अगर किताबों से नजदीकी बनाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बने सचिन मीणा ने अपनी कांस्टेबल की नौकरी के साथ ही पढ़ाई कर सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर किया है। सचिन ने इसके लिए कहीं ना कोई कोचिंग की और ना ही तैयारी, सेल्फ स्टडी के दम पर सचिन ने टाइम मैनेज कर ये सफलता हासिल की है। सचिन बताते हैं कि जिस भी थाने में रहा अपनी ड्यूटी के साथ किताबें रखता और जैसे समय मिलता वैसे पढ़ाई करता। जी, मैंने 2013 से राजस्थान पुलिस ज्वाइन किया था। उसके बाद कंटिन्यू पुलिस की जो हार्ड ड्यूटियां रहती है इसमें हमारे लिए जैसे मुश्किल रहता है। फिर 2015-16 के आसपास मैं राजगढ़ थाने में था। उस वक्त में मेरे नए प्रोविजनल इंस्पेक्टर आए थे उमा शंकर शर्मा, उनसे मैंने प्रेरणा ली, उनके कार्यशील से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसके दौरान मुझे लगा कि मेरे को कुछ करना चाहिए। इसके बाद मैंने ये तैयारी स्टार्ट की 2016 में। 2016 के भर्ती केंद्र मैंने एग्ज़ाम दिया लेकिन अनसक्सेस हो गया, और 2023 की जो भर्ती इसमें वापस में सक्सेस हुआ था। ड्यूटी के दौरान मैंने लगभग 7-8 घंटे लगातार कंटिन्यू पढ़ाई की थी, और 2016 में जो तैयारी की थी वो भी मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आई।